नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। आज महाशिवरात्रि है। इस दिन हर छोटे बड़े शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अमेठी के दंडकारेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर, बटुकनाथ धाम, महादेवन दुख हरण धाम, झारखंडेश्वर नाथ धाम, मुकुटनाथ धाम और बूढ़े बाबा मंदिर में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ लगी। सुबह 4 बजे से ही शिव भक्तों ने विभिन्न मंदिरों में पहुंचकर भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद को शूद्र बताते हुए समाज में असमानता का जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से MLC अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी ने जामो स्थित अति प्राचीन बूढ़े बाबा शिव मंदिर में सुबह सुबह मंदिर खुलने के तत्काल बाद 11 दलित दंपतियों से सर्वप्रथम जलाभिषेक कराते हुए विधिवत पूजन अर्चन के बाद अन्य जन सामान्य भक्तों के लिए मंदिर का कपाट खुलवाया। एक तरफ जहां कई राजनीतिक पार्टियों द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि शूद्रों और दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, वहीं पर MLC अक्षय प्रताप सिंह के द्वारा 11 दलित परिवारों से सबसे पहले जलाभिषेक और पूजन अर्चन करवाकर ये संदेश दिया गया कि मंदिरों के दरवाजे सभी लोगों के लिए समान रूप से खुले हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। वहीं सबसे पहले जलाभिषेक कर पूजन करने का सौभाग्य मिलने पर इन परिवारों में प्रसन्नता देखी गई। इन लोगों ने बताया कि नेताओं के द्वारा उल्टी सीधी बयानबाजी कर समाज में असमानता का जहर घोलने का काम किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, फिर दलित, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। क्या नाम है आपका और कहाँ आई है आज ये? हम बूढ़े बाबा के आए हैं, पूनम नाम है, ब्लॉक नंबर 3। क्या कार्यक्रम था आज? आज शिवरात्रि है, जल चढ़ाने आए थे। सबसे पहले जल चढ़ाने को मिला आज। तो किसके द्वारा आपको पहले जन चढ़ाने को मिला है? राजभवन की तरफ से, राजा भैया को, भैया के और रानी साहिबा की तरफ से। कैसा महसूस कर रही हैं कि आपको प्रथम वरीयता दी गई है जी? तो कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, आज पहली बार यहाँ सबसे पहले जल चढ़ाने को मिला, सिर्फ भैया की वजह से। आज जो है आपके द्वारा सर्वप्रथम जल चढ़ाया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हुआ। जहाँ अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयान दे रहे हैं कि हम शूद्र हैं और कह के हमारी अवहेला के जा रहे हैं, वहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा, वो बहुत गलत स्टेटमेंट था वो। अब जो है भैया के द्वारा सामाजिक समरसता जो दिखाई गई यहाँ पे, वो बहुत अच्छा, वो उसका एक मिसाल है। और क्या कहना चाहते हैं कुछ? और कुछ अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? सब लोग गलत, बहुत गलत बयानबाजी करते हैं, ये सत्य नहीं है। क्या नाम है आपका? रामदेव सिंह बाबूपुर। क्या करने आए हैं यहाँ पे आज? यहाँ पर जल चढ़ाने आए थे। आज आप सबके द्वारा पहले जो है जल चढ़ाया गया जी, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं राजभवन की तरफ से सबसे पहले जल चढ़ाया। स्ट्रीट बस के लिए अमेठी से रितु मिश्रा की रिपोर्ट। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।